हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं माय लिटिल गार्डन। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में वैसे मैं छोटी सी एक ओवरव्यू लेकर आई हूं, क्योंकि मेरे गार्डन सभी कुछ चेंज हो रहा है और तो फिर गार्डन में काफ़ी सभी चीज़ों को यहां से वहां शिफ्ट किया हुआ है। तो शुरुआत में आपको पहले अपनी बेबी फिशेज से मिलवा देती हूँ। वैसे बहुत जल्दी ये ऊपर की तरफ नहीं आते हैं, तो थोड़ी सी इनको मैंने फिश फूड डाले हैं, जो आपको कलरफुल बॉल दिख रहे होंगे छोटे छोटे। तो दोस्तों, मेरे गार्डन में एक पॉन्ड हुआ करता है, वैसे आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, तो उनमें जो भी दो चार फिशेस थे तो उन्होंने इतने सारे बेबीज दे दिए। करते ही करते देखिए, अब ये दूसरा मेरा फाउंटेन वाला बड़ा सा टब है, इसमें भी बहुत सारे फिश मेरे फिश की बेबीज आए हुए हैं। तो ये देखिए, इन्हें इनके खेलने के लिए ही एक मैंने एक स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग इनमें डाली थी, तो ये सभी चीज़ें इनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये मालूम नहीं है कि इनके लिए कौन सा सीजन, कौन सा मंथ ब्रीडिंग वाला होता है, यानी कब ये बेबीज देते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता चल गया है कि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, इनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सके। काफ़ी टाइम से मेरे पास ये सभी फिशेस मेरे एक्वेरियम में भी मैंने रख कर देख चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने कभी इस तरह से बेबीज नहीं दिए। तो खैर दोस्तों, चलिए शुरू करती हूँ आज की वीडियो, देख लेते हैं मेरे गार्डन में क्या क्या फूल खिल रहे हैं। ये जो रेन लिली का प्लांट है, इसने मुझे बहुत अच्छे फूल दिए हैं, क्योंकि ये बॉटल में लगे हैं और बॉटल में लगे इतनी छोटे से स्पेस में भी इसने बहुत अच्छे फूल दिए हैं। और दोस्तों देखिए, ये जो प्लांट है ये पूरा साल इसी तरह हरा भरा रहता है, चाहे जमीन में फूल ख़त्म हो जाए तो हम इसे सर्दियों वाले जो फूल होते हैं उनसे मिक्स करके लगाएंगे, तो इनकी जो खूबसूरती है ये भी बहुत अच्छे से और ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये है 2 लीटर वाला जो कोल्ड ड्रिंक आता है उनका बॉटल है ये। वैसे फ्रेंड, मेरे पास कोई ज़्यादा खास अच्छी किस्म के फ्लावर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लांट्स तो नहीं है, पर जो है हमेशा से आपको मैं वही दिखाते आई हूँ। तो बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम इन दिनों हो रहा है यहाँ पर मेरे अमृतसर में, गर्मी भी थोड़ी सी कम हुई है, तो सभी चीज़ें यहाँ से हटने वाली है। ये मेरा ये लास्ट वीडियो है, तो इसके बाद मैं कम से कम एक या हफ्ते का या फिर 10 दिन का ब्रेक लेकर फिर आपको आगे का जो भी है, नेक्स्ट जो भी चल रहा होगा वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो देख सकते हैं बुगनवीलिया के कलर्स, तो पोर्चुला का है, बुगनवीलिया है, टिकोमा है, ये देख लीजिए टिकोमा। मेरे कई सारे भाई बहन, मेरे व्यूवर्स मुझे कहते हैं कि उन्हें उनके प्लांट्स में टिकोमा के फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई खास फर्टिलाइजर की बात नहीं है, हर बार फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है। इनको मैंने फरवरी और मार्च में वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, नीम खली, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं, तो इतना ही बहुत है, ज़्यादा खाद के बारे में ना सोचा करिए। खाद को देने के बाद उनका जो रिजल्ट है उसका वेट भी किया करें। और एक चीज़ मैंने ध्यान दी हुई है दोस्तों, जब भी बरसात का मौसम ख़त्म होता है, यानी कि ज़रा ज़रा सी ठंडक जब मौसम में आने लगती है, तो टिकोमा के फ्लावर्स में कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज डार्क, जैसा कि रेड जैसा दिखाई देने लगता है। और ये छोटे छोटे पोर्चुला का है, और ये हमारी लाडो, लाडो को फूल पत्तियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। कई बारी आपने इस लाडो को मेरे गार्डन में फूलों से खेलते हुए देखा भी हुआ है। ये पर्सलेन का प्लांट है जो एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, तो आने वाले 10 दिनों तक मेरे गार्डन में काम होगा। ये देखिए, एक मैंने एक टायर प्लांटर के अंदर ये पोर्चुला का फ्लावर्स लगाया है। तो कोई कुछ खास फ्लावर्स दोस्तों अभी मेरे इस गार्डन में नहीं है। ये मेरा वर्टिकल गार्डन जो था फ्रेंड्स, मेरे इस पॉट के अंदर गिलहरी ने काफ़ी सारे, उसने भी 2-3 बेबीज दिए हैं इस पॉट के अंदर, आगे मैं आपको दिखाती हूँ उनकी बेबीज। तो ये एक मेरा सेंटर पॉइंट जो था उसे मैंने चेंज किया है, उसकी जगह पर यहाँ पर क्या बनने वाला है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट्स देती रहूँगी।
ये है मॉस रोज जो 4 इंच के पॉट में लगे हैं। इन्होंने मुझे इस साल बहुत अच्छे फूल दिए हैं। पहली बार मैंने इतने छोटे पॉट में इस प्लांट को ग्रो किया है। वैसे इस प्लांट को बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे पॉट में लगते हैं, देख ही रहे हैं आप। और ये है मेरा रेन लिली, देखिए बॉटल में ग्रो हुआ है और बहुत अच्छे फूल आए हैं इसमें। तो मेरे काफ़ी भाई बहन, मेरे व्यूवर्स मुझे उन्होंने कमेंट दिया था कि उनके जो रेन लिली है उसमें फूल आए ही नहीं। फ्रेंड्स देखिए, मेरे चैनल पर इसके जो रेन लिली के प्लांट पर एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया था कि कैसे क्या खाद दिया है। तो आपको इनकी जो तैयारी है वो काफ़ी पहले ही कर लेनी चाहिए। जिन फूलों का टाइम आ रहा है, जैसे अब सर्दियाँ आ रही है तो हमें क्या चीज़ लगाना है, तो सीडलिंग पर वीडियो अभी तक आई नहीं है मेरी वो, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर मेरे अमृतसर में बहुत ज़्यादा तब गर्मी थी। अब जाकर थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ रहा है, तो बहुत जल्दी सीडलिंग की वीडियो शेयर करूँगी। वैसे दोस्तों, जो सीडलिंग होती है ये सिर्फ अपना एक शौक भी होता है, अपना एक एक्सपीरियंस करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। ज़्यादातर तो हम जो उनके बेबी प्लांट होते हैं, जिसे सैपलिंग भी कहते हैं, ऐसे प्लांट हम नर्सरी से लाकर ही अपनी जो बागवानी है उनको हम कंप्लीट करते हैं। इतने ज़्यादा प्लांट हम घर पर नहीं बना पाते हैं। ये था मॉस रोज, फिर से हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है और काफ़ी सारे गमलों में लगे हुए हैं रेन लिली। तो बस दोस्तों, रेन लिली पर अब दुख जताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इनका टाइम चला गया है, आने वाले जब मौसम में, आने वाले साल में आप इनकी फिर से तैयारी करिएगा। बहुत इसमें अभी भी बर्ड हैं, बहुत सारी कलियाँ, तो बहुत अच्छे फूल इनमें इस साल आए हैं, अभी भी आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इन प्लांट को एक अच्छी धूप चाहिए और सही टाइम पर इनको दिया हुआ खाद, यही इनके सही टाइम पर इनके फूल खिलाते हैं। वैसे ये जो रेन लिली होते हैं, इनको कोई ख़ास मौसम और ख़ास खाद की ज़रूरत नहीं होती है, सही टाइम इनके बारिश में ही फूल खिलते हैं। तो मेरे अब आने वाली आगे जो वीडियोस होगी, मैं उसमें आपको अपनी सर्दियों की सीडलिंग की वीडियो शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, अब बरसात का मौसम अब ख़त्म हो चुका है, मॉनसून जा चुका है, तो ऐसे में आप अपने गार्डन में देखिए जो प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, लंबी लंबी टहनियाँ, ब्रांचेस जो भी हैं जिनमें फूल नहीं आए थे, तो उन सभी को आप कट कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करिए या फिर हार्ड प्रूनिंग करिए। तो क्या करना है, अब इतने सारे प्लांट को बढ़ाकर जिनमें फूल नहीं आ रहे हो आप उनको कट कर दीजिए। और ये सभी एक झलकी देख लीजिए किस तरह से सभी सामान यहाँ पर फैल गया है, क्योंकि दोस्तों गार्डन में चेंजेस का काम चल रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी सोचेंगे कि गार्डन में और अब क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे गार्डन में मुझे ये, मेरे मन में ये डर है कि कहीं कोई टाइम के साथ कोई लीकेज या कोई सीलन की प्रॉब्लम ना आए, तो उसी चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए मैंने टाइल लगवाने का सोचा है। ये बुगनविलिया के फ्लावर्स हैं, देखिए कितने प्यारे खिल रहे हैं, इस पर भी वीडियो आपसे मैंने शेयर किया हुआ है। और ये मेरा बैम्बू आर्च है, और इस तरफ से भी एक व्यू आप सभी के लिए। बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे मेरे पास आयरन स्टैंड है, इन सभी चीज़ों को हटाने में मुझे यहाँ पर काफ़ी दिक्कत भी आने वाली है, तो इन सभी की छोटी छोटी एक अपडेट आपसे मैं शेयर करती ही रहूँगी जैसे ही मेरे यहाँ पर काम स्टार्ट होगा, कि मैंने कौन सा टाइल लगवाया है और क्या मुझे खर्च आया है, ये सभी फ्रेंड्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, जल्दी से वीडियो नहीं आ पाएगी किसी भी प्लांट को लेकर। जो भी काम स्टार्ट होगा वही मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाती ही जाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मॉस रोज कितने प्यारे लग रहे हैं, 4 इंच के पॉट में है ये भी। फ्रेंड्स मेरे गार्डन में जब काम स्टार्ट होगा तो ये सभी सेटअप जो है, ये सभी यहाँ से मुझे एक बार के लिए हटाना पड़ेगा। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो सेटअप मैंने बनाया है ये आपको कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता होगा तो मैं फिर से यही सेटअप बना लूँगी
और ये बड़े बड़े पत्ते जो देख रहे हैं ये मालाबार स्पिनच है, और ये छोटे छोटे फूल हैं, ये ड्वार्फ चांदनी है। ये बहुत अच्छा प्लांट होता है, गर्मियों में बहुत अच्छे फूल देते हैं। और ये जो मेरे वाइट हैज हैं, इस हैज का आप मुझे पूछते रहते हैं दोस्तों, इस हैज को दोस्तों मैंने अपने लोकल अमृतसर मार्केट से ही लिया हुआ है। ये पोर्चुलाका के रेड कलर के फ्लावर्स हैं, बाकी के हैंगिंग बास्केट हैं, बस वही सभी प्लांट हैं जो हमेशा आप देखते आए हैं। बस मैं नया प्लांट लेकर बहुत जल्दी उस प्लांट पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसा करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे। जो मेरे पास से प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वही मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। और ये जो आर्टिफिशियल ग्रास का जो पीस आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में, ये तो मैं टाइल लगवाने के बाद भी ये ग्रास मैं ज़रूर रखूँगी। इस आर्टिफिशियल ग्रास से हमारे गार्डन में बहुत ग्रेस आता है, बहुत खूबसूरती आती है। तो बस इसी तरह दोस्तों, जब 10-12 दिन का काम होगा मेरे गार्डन में, तो मेरे टेरेस पर जो काम होगा तो उसका अपडेशन मैं आपको करवाती रहूँगी। ये सामने के जो पॉट हैं दोस्तों, इसमें मैंने रेडिश यानी कि मूलियों के जो बीज है वो बीज डाले थे, बहुत अच्छे प्लांट हो गए हैं। और ये गिलोय का प्लांट है जो वाइट हेज पे लगाया है मैंने। और ये मैंने विंटर्स फ्लावर की जो सीडलिंग के लिए मैंने ट्रे बनाई हुई है, तैयार करके रखी हुई है। तो किस तरह से देखिए, जो लाडो है ये कुछ ना कुछ इसमें अपनी शरारतें भी करती रहती है, ऐसे ही रहा तो बस पता नहीं फूल कैसे खिलेंगे। और ये देखिए, इसे पर्सलिन का एक प्लांट मिल गया है। वैसे ये जो प्लांट है ये किसी भी तरह के हार्म नहीं करते हैं हमें या फिर हमारे पेट्स को, तो इसे फूल पत्तियां बहुत पसंद है, मैंने तो आपको बताया ही था शुरू में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू। जो भी प्लांट अच्छे थे वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ वहाँ किया हुआ है तो तभी मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया आपको। तो अब आप सभी से विदा लेती हूँ दोस्तों, अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। और लाडो भी आपको बाय कर रही है।